वाकया मामला हैं, लेकिन बात क्या है, बात यही है मियाँ, बात यह है कि देखो हम लोगों को मैं नेक बनना चाहते हैं, हम लोगों को नेक दिखना चाहते हैं कि लोग हमें नेक देखें, नेक तसव्वुर करें और नेक बोलें, मगर नेक होना नहीं चाहते, नेक बनना नहीं चाहते। अब बताओ कितनी बड़ी मुनाफ़त है ये, तो फिर तुम्हारे क्या अहमाल काबिल कबूल होंगे हैं? रियाकारी हो गए ना ये, तो दूसरों को तुम अच्छा नेक बन के दिखा के फिर दूसरों को नेक बनाना चाहते हो, ये भी बड़ी बात है। आई ना सुना, तन उजला मन मैला, बगले जैसा भैंस, बगला आंख बंद करके बैठ खड़ा होता पानी के पास, अब मछली समझती है मुराकबे में ये, और ये नहीं पता वो एक आंख से देख रहा है कि जहां पानी में हिलजुल ने फट चोंच मारी लौट डाली। अब मछली बेचारी इसलिए फंस गई कि भाई ये कोई अल्लाह वाला मुराकबे में बैठा हुआ है, चलो उसकी ज़ियारत कर लूँ, और जान से गई। तो इसलिए कहा उन्होंने कि मन मैला तन मै तन उजला मन मैला बगले जैसा भेज, हमसे तो कागा भले अंदर बाहर एक, यानी कि हमसे कौवा भला है जो अंदर से भी काला बाहर से भी काला है। तो ये मलामती जो होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अंदर से भी काले होते हैं बाहर से भी काले होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, और इनमें आला तरीन वो होते हैं जो अंदर से उजले और बाहर से मैले। बाहर से मैले क्यों रहते हैं? ताकि लोग उनकी तारीफ ना करें। इस रास्ते में जहर चीज जो है वो तारीफ है, इबादत के रास्ते में सबसे जहर जो चीज़ है वो तारीफ है। इसलिए वो मलामत में होते हैं कि इबादत में जब तारीफ होती है तो रिया पैदा हो जाती है, तकब्बुर पैदा हो जाता है, और रिया अगर पैदा हो जाए तो मुशरिक शिर्क है ना रिया, तो जिसको रिया पैदा हो जाए वो मुशरिक, और जिसको तकब्बुर पैदा हो जाए वो काफिर। ये हक को पहचान है, अंबिया को जो इल्म दिया गया इसलिए दिया गया कि लोगों को हक की पहचान कराएं उससे और हक तक पहुंचा दें। तो जो इल्म है दीन का ये इसीलिए है कि तुम हक की पहचान कराओ और हक को खुद भी पहचानो। और अगर तुम्हें तुम्हारा इल्म हक की पहचान नहीं कराता, तुम्हारे रब तक तुम्हें नहीं पहुंचाता, तो इल्म साहून है तेरी, फिर बड़ी तबाही है इस इल्म में तुम्हारे लिए। यही हाल दौलत का है, अगर तुम्हारे पास दौलत है और वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए है, यानी कि बुरे कामों में खर्च हो रही है, तो वो दौलत भी साहून हो गई, क्योंकि तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जा रही है ना खींच के। दौलत क्यों है? खूबी की बात यह कि अल्लाह ने पता नहीं किस किस के नसीब की तुम्हारे पास भेजी है कि तुम दे दो उनको, तुम इस पर अमीन हो पहुंचा दो, व रजक ना हूं यून। खर्च करो उन पर जो मोहताज हैं, इस पर तो शुक्र अदा करने की वाली बात है कि अल्लाह ने तुम्हें गरीबों में डाल दिया, वरना वो चाहता तुम्हें भी मोहताजों में डाल दे जैसे औरों को डाला।
तो ये तुम्हारा इम्तहान है, इल्म भी तुम्हारा इम्तहान है, दौलत भी तुम्हारा इम्तहान है, और जो तुम्हें ताकत अदा की गई है ये भी तुम्हारा इम्तहान है। ये जो तुम्हारे को सलामती के साथ हाथ पैर दिए गए, अकल सलामत है तुम्हारी, ये भी तुम्हारा इम्तहान है। ये सब आजमाइशें हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास नेमत कोई चीज नहीं है। अब इन सब चीजों को तुम नेमत बना सकते हो। यह कि तुम्हारा इल्म अगर तुम्हें अल्लाह की शनाख्त और पहचान करा देता है और उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल देता है तो ये तो नेमत हो गई। अगर तुम्हारी दौलत तुम्हें जन्नत तक ले जाती है तो ये तो नेमत हो गई। अगर तुम्हारी ताकत से गरीबों की मदद हो जाती है तो ये तो नेमत हो गई। यही सारी चीजें नेमत भी हैं और यही सारी चीजें आजमाइश भी हैं। तुम्हारे हाथ में है, इनको आजमाइश बना लो अपने लिए या अपने लिए नेमत बना लो। तो अब इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारी दौलत भी से भी इबादत हो सकती है, तुम्हारी ताकत से भी, तुम्हारे इल्म से भी, हर चीज इबादत है। फिर अगर ये नेमत बन गई तो सारी इबादत है। फिर उठना बैठना चलना फिरना खर्च करना कमाना सब इबादत हो गई, मन सब कुछ साबुन हो गया। मेरे भाई फर्ज जो हम पर है वो कर्ज है, वो हमें हर हाल में अदा करने ही करने हैं, जिस तरह करें, चाहे दिल से करें चाहे बेदिली से करें। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे इसलिए हैं कि वो तुम्हारे मुसलमान होने की अलामत हैं। हिजबुल्लाह में आने की तुम्हारी अलामतें हैं। ये शनाख्त होती है ना भाई, ये इसकी शनाख्त क्या है? तो तुम्हारी शनाख्त कायम है नमाज में, ये भाई मुसलमान है, रोजे में।